नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करना। बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है और इस साइड से जो कपड़ा बचा है इसी साइड से हम बताएंगे ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम ऊपर से इस साइड से करेंगे ताकि कपड़ा जो भी है एक्स्ट्रा उसमें बचे ना। तो यहाँ से देखिए, हम 5 इंच का पहले शोल्डर रखेंगे। तो हमने 5 इंच पे लगाया है शोल्डर, जिसको तीरा बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम 5.5 इंच पे लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का हमने 5 इंच में 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया है, 5.5 इंच पे हमने आर्म होल में लगाया है। और यहाँ पे 10.5 इंच पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो देखिए यहाँ पे हमने 10.5 पे लगाया है। और यहाँ पे मार्जिन के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जो आर्म होल में हम गोलाई देते हैं 1.25 इंच पे, क्योंकि फ्रंट पार्ट का है, बैक पार्ट का रहता तो इसमें थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 1 इंच या 1.25 इंच पे हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे गले का निशान 2 इंच पे और नीचे से रखेंगे 6 इंच। तो देखिए 6 इंच हमने लंबाई ली है गले की, और यहाँ पे 2.5 इंच हम करेंगे नीचे साइड से ताकि थोड़ा सा गहराई इसमें गोलाई आ जाए अच्छे से। अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे जो निशान लगाया है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे इसलिए लगाया है ताकि यहाँ जो कंधा होता है ब्लाउज का वो गिरने ना पाए, इसीलिए हमने। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गहराई दे सकते हैं इस तरह से, तो हमने थोड़ा सा गहराई लगाया है। अगर आपको डोरी लगाना है तो 2.5 इंच पे गले का निशान भी कर सकते हैं और तीरा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे बेल्ट का निशान। तो बेल्ट के निशान के लिए हमने 13 इंच पे निशान लगाया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, तो हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हम ऊपर से हमने लगाया है निशान 1.5 इंच की दूरी पे। तो देखिए 1.5 इंच की दूरी पे हमने निशान लगाया है, और यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से हम इसको राउंड का शेप दे देंगे। अब देखिए हमने राउंड का शेप दे दिया है। अब यहाँ जो हम फोरटक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे किया है और ऊपर भी 4 इंच तक दूरी पर लेंगे जो सेंटर का होता है। अब यहाँ पे हमने 3 इंच नीचे से लिया है, 1 इंच हमने गैप दिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे दूसरा निशान जिस साइड से हम बटन लगाते हैं। तो देखिए इस साइड से हम दूसरा निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे और एक आर्म होल के साइड से हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे। तो हमने 3 निशान लगा लिया है। अब जो चौथा निशान है इसको इस साइड से हम लगाएंगे जिस साइड से फिटिंग का लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों में 1.5 इंच की दूरी है, और जो नीचे वाला है इसमें हमने 1 इंच का गैप दिया है। तो इस तरह से चारों निशान पूरा हो गया है। अब यहाँ पे हम जितना प्लेट में दबाते हैं कपड़ा उसका निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का हाफ जो होता है इसको फोल्ड करके एक बार उस तरह से प्लेट को दबाते हैं, तो हमने उतना ही निशान लगाया है जितना हम कपड़े को दबाते हैं प्लेट बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हम अभी से हमने इसको निशान को लगा लिया है। अब यहाँ जो नीचे वाला निशान लगाएंगे इसमें थोड़ा सा हम बढ़ा के लगाते हैं ताकि इसमें गहराई अच्छे तरीके से आ जाती है। तो हमने 1 इंच दोनों साइड से किया, मतलब 2 इंच की दूरी है नीचे वाले साइड में। तो इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कुछ भी सीखना है या पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद नीचे साइड से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया है फिटिंग का, इस निशान को इस तरह से नीचे से सीधा कर देंगे, और यहाँ पे जो हमने जहाँ जहाँ तक निशान लगाया है यहाँ पे हम कट लगा देंगे छोटा छोटा, ताकि ये निशान अगर मिट भी जाए तो ये कट ऐसे ही रहे ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करना कितना ईजी है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना आसान हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप सभी का धन्यवाद।